अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है स्कूल से। क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि आज मीटिंग थी और मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए आज हम आपको स्कूल में दिख रहे हैं। और स्कूल की वीडियो थोड़ी कम बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, तो गार्ड से बच के सिर्फ आपके लिए वीडियोस बन रही हैं गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, अब हम आ गए चौराहे पे। बहुत ज़्यादा रश था और ये हमारा डे टू है ब्लॉग, डेली ब्लॉग का। और ये अब हम आ गए हैं मेडिकल चौराहे पे। इसके आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो चौक आ जाएगा और चौक के बाद नखास आ जाएगा। और अगर आप इससे टर्न करके इधर आ जाएंगे तो मेडिकल चौराहा आ जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है, ऑलमोस्ट 76 ईयर्स हो गए हैं इस मेडिकल कॉलेज को। और गाइस, आगे मैं बताना चाहूँगी, इसी बिल्डिंग से अटैच एक और बिल्डिंग है। ये यहाँ पे मेडिकल स्टाफ्स की मीटिंग होती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर नाम है। तो गाइस, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए आपके आफ्टरनून का और ये इवनिंग का वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट आपको नाइट में लेके जा रहे हैं। तो नाइट में मैंने डिनर बनाने की तैयारी करी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पुदीने की लीव्स हैं जिसमें हम बेसन ऐड कर रहे हैं एंड सम मसालाज ऐड कर रहे हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चे जो भी होते हैं वो सब ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। और धीरे धीरे देखिए ये मिक्स हो रहे हैं। जब पूरी तरह से ये मिक्स हो जाएगा आपस में तो फिर गाइस देखिए पानी डाल के धीरे धीरे हम कर रहे हैं ऐड। तो वीडियो में बने रहिए जब तक कि ये मिक्स होगा, फिर उसके बाद आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। देखिए ये धीरे धीरे लग रहा है थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया है। तो गाइस, अब हम इसके रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रोल बनाने की तैयारी हो रही है। तो गाइस, ये रोल बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। ये डिश बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, और ये आपको टेस्ट देगी फ़िश जैसी लगती है ये जब पक जाएगी, जैसा आप देखेंगे कुक करने के बाद। ये देखिए मैंने यहाँ पे रोल बना लिए हैं और अब मैं इन रोल को उठा के कुकर में डालूँगी। तो ये हमारा कुकर है, देखिए गाइस, कुकर में कटोरी फिट नहीं हो रही है लेकिन ये चली गई। ओके, मिशन सक्सेसफुल गाइस। अब इस पे जब विसल आएगी तब हम इसको ओपन करेंगे। तो विसल आ चुकी है तो हमने इसे ओपन कर लिया है गाइस। एक्चुअली ये पानी में उबाले हैं मैंने कटोरी अंदर रख के। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पक चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, आप हाथ से टच करेंगी तो आपका हाथ जल जाएगा। और देखिए मैं इसको अलग कर रही हूँ नाइफ से, तो ये अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैं इसमें देखिए गाइस, अलग हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं अलग कर रही हूँ इसको। ओके डन, अलग हो गए हैं गाइस। तो गाइस, ये मैं धीरे धीरे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ इनको, तो ये शिफ्ट होते हुए आपको दिख रहे होंगे गाइस। ओके गाइस, तो अब हम इसे कट करेंगे। ओके, स्लोली ग्रेजुअली हम इन्हें कट करेंगे बहुत सारे पीसेस में। जैसा आपने देखा ये मैंने अपने नाश्ते के लिए रख दिए हैं कि नेक्स्ट डे नाश्ते में यूज़ हो जाएगा, ये किसी को देना हो घर में तो वो खा लेगा अलग से, तो हम उसी टाइम इसे फ्राई कर देंगे गाइस। तो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया है धीरे धीरे इसके टुकड़े हो चुके हैं, और ये धीरे धीरे स्लोली हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं गाइस, और सारे पीसेस के टुकड़े करेंगे गाइस। जब तक कि इसके पीसेस हो जाएंगे गाइस, उसके बाद हम इसे फ्राई पैन में डाल देंगे ऑयल के साथ। तो जब तक के वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए कि कैसे इसके पीसेस हो रहे हैं। ओके गाइस, पीसेस हो गए हैं, तो अब हमने फ्राई पैन रखा। ओके, फ्राई पैन में ऑयल डाला, देन गैस ओपन करी। ओके, लाइटर से मैंने गैस जलाई यहाँ पे, और धीरे धीरे उसमें मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। ओके गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही डाल दूँगी मैं, जितने आप आएंगे गाइस उतने डाल दूँगी मैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा तब तक ये फ्राई होते हैं। आपको
आपको फाइनल लुक देखना है तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो गाइस अब हम इन्हें टर्न करेंगे। ओके ऑलमोस्ट रेडी हो गए, ये फ्राई हो गए। शुक्र है गाइस ये फ्राई हो गए, बहुत टाइम लगता है फ्राई होने में से। ओके गाइस सो अब हम इन्हें दोबारा से प्रेशर कुकर में डाल इन्हें प्रेशर कुकर में डालेंगे। मसाला मैंने पहले से भून रखा था, उसी में डाल देना था इसे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं हाथ से इसे नहीं करूँगी, मतलब मैं इसे स्पून से नहीं करूँगी क्योंकि ये टूट जाएंगे। तो गाइस आप जैसा देख रहे होंगे आपको इसको स्पून से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। आपको हाथ से ही प्रेशर कुकर को हिलाना है ताकि ये टूटे ना। तो गाइस यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर को ढक दूँगी। तो गाइस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं।